खबर धौलपुर के बाड़ी सदर थाना इलाके से है, जहां बामनी नदी के पास एक किशोर का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक भोला खटीक परीक्षा परिणाम में सफलता की कामना करने माता के मंदिर गया था। वहीं शव मिलने की सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया। हादसे की खबर सुनकर मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया। इस दौरान मृतक के परिजनों ने गाँव के ही कुछ लोगों के खिलाफ हत्या का नामजद मामला दर्ज करवाया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जाँच पड़ताल कर रही है। थाना बाड़ी सदर पर सूचना मिली कि बामनी नदी के पास एक एक्सीडेंट हो गया। इस सूचना पर मैं जाप्ता के प्राइवेट वाहन से रवाना हुआ। घटनास्थल पर से वहाँ कोई नहीं मिला। फिर सूचना मिली कि उनमें एक लड़का खत्म हो गया है, तो सीएससी बाड़ी में है। तो सीएससी बाड़ी पहुँचे, मृतक की लाश को मुर्दा घर में रखवाया। दो घायल, दोनों घायलों के बयान लिए। दोनों घायलों ने बताया कि हम तीन लोग बाड़ी से काम धनुपुरा जा रहे थे। भोला जो मृतक है गाड़ी चला रहा था, जो 10वीं क्लास में फेल हो गया, इसलिए वो घबराहट में था। उसने हमने काफ़ी मना किया, लेकिन वो गाड़ी चलाने में हट गया और बामनी नदी से आगे अनबैलेंस होकर गाड़ी लड़ने में गिर गई। तो हम तीनों बेहोश हो गए। हमको लोग लाटो हॉस्पिटल, मृतक भोला का पोस्टमार्टम कराया गया। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।